नमस्कार दर्शकों, इस बीच आपको सबसे बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस ले लिया। आपको बता दें कि वीआरएस लेकर उन्होंने सीधे तौर पर एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर, जहां पर उन्होंने बताया है कि वीआरएस के बाद अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं और बात बताया जा रहा है कि भाजपा के टिकट पर वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जो संदेश दिया है सोशल मीडिया पर, ये उन्होंने संदेश डाला है जहां पर उन्होंने लिखा है कि प्रिय मित्रों, आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है क्योंकि अब राष्ट्र और समाज की सेवा एक नए रूप में करना चाहता हूं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के योग्य समझा है। दर्शकों, यह बड़ी बात है। इन्होंने लिखा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के योग्य समझा है। साथ ही आगे लिखा है कि मैं प्रयास करूंगा कि पुलिस बलों के संगठन के अनुभव और सिस्टम विकसित करने के कौशल से पार्टी को अपनी सेवाएं दूं और पार्टी में विविध अनुभव के व्यक्तियों को शामिल करने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल को सार्थक बनाऊं। ये सब मैं पोस्ट पढ़कर सुना रहा हूं आपको। असीम अरुण, जो कि अभी कुछ वक्त पहले तक, अगर सुबह में बात करता तो ये कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, लेकिन ये इन्होंने संदेश दिया है जहां पर इन्होंने बताया है कि वो वीआरएस लेने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं प्रयास करूंगा कि महात्मा गांधी द्वारा दिए तिलस्म की सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति के हितार्थ हमेशा कार्य करूं। आईपीएस की नौकरी और अब यह सम्मान सब बाबा साहब अंबेडकर द्वारा अवसर की समानता के लिए रचित व्यवस्था के कारण ही संभव है। मैं उनके उच्च आदर्शों का अनुसरण करते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति एवं सभी वर्गों के भाइयों और बहनों के सम्मान, सुरक्षा, उत्थान के लिए कार्य करूंगा। मैं समझता हूं कि यह सम्मान मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी एवं माता स्वर्गीय शशि अरुण जी के पुण्य कर्मों के प्रताप के कारण ही मिल रहा है। उनकी पुण्य आत्माओं को शशत नमन। केवल एक ही कष्ट है, अपनी अलमारी के सबसे सुंदर वस्त्र, अपनी वर्दी को अब नहीं पहन सकूंगा। बातों पर गौर कीजिएगा, अब अपनी वर्दी को नहीं पहन सकूंगा। अपने साथियों से विदा लेते हुए मैं वचन देता हूं कि वर्दी के सम्मान के लिए हमेशा सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा। आपको मेरी ओर से एक जोरदार सैल्यूट। तो असीम अरुण जी की ये बातें आपको सुना रहे थे, जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट कर अब तहलका मचा दिया। यूपी की सियासत की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नर कानपुर के, उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया और जहां तक कहा जा रहा है कि आपको बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि जहां यूपी में आज आचार संहिता लागू कर दी गई, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा, बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने जा रहे हैं, जहां 10 फरवरी से मतदान की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन उस बीच ये सियासी बम फोड़ दिया है कानपुर के पुलिस कमिश्नर साहब ने। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस के अधिकारी इसी तरह से राजनीतिक पार्टियों में शामिल होते रहे। इससे पहले गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार, बिहार चुनावों से पहले उन्होंने भी इसी तरह से वीआरएस लेकर बिहार का चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे, हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर यूपी की सियासत में बड़ा बम फोड़ते नजर आ रहे हैं असीम अरुण जी, जिन्होंने आज वीआरएस लेने की घोषणा कर दी है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़ सकते।